एवरीवन, मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति जानी फ्रॉम जजेस किचन। आज हम सिंपल फर्सी पूरी बनाएंगे जो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स और बहुत आसान तरीके से बनेगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट दिवाली पे हमने लेयर्ड मटरी पूरी बनाई थी जिसकी लिंक मैंने शेयर की है, अगर आपको वो पसंद आए तो आप वो भी बना सकते हैं। आज की रेसिपी तो है ही मजेदार, चलिए तो मेरे साथ देखिए। मैंने यहाँ पर एक टेबलस्पून जीरा लिया है और ये आधी इसमें से मैं थोड़े से ही ऐड करूँगी। ये इतने जो आधा टीस्पून जितना मैं ब्लैक पेपर पॉड्स है वो डाल रही हूँ। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप उसी हिसाब से डालेंगे। इसको ना हम थोड़ा सा इस तरह से खलबत्ते में हम कूट लेंगे। ऐसे इसमें पाउडर डाल सकते हैं, पर अगर आप ऐसे इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि हमें ब्लैक पेपर का पाउडर नहीं चाहिए। थोड़ा सा कूटे हुए थोड़े मुंह में आए तो वैसा उस तरह का चाहिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसीलिए हम इस तरह से डाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये रेडी कर लिया है, इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है तो इसका जो टेस्ट और फ्रेग्रेंस आती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है, स्वाद आता है। यहाँ पर मैंने परात ली है, ये मैंने मैदा लिया है 2 कप है मेजरमेंट से, और वेट के हिसाब से 400 ग्राम है 400 ग्राम। और ये मैंने 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है। ये आटा डालने से ना पूरी बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैं टेस्ट के अनुसार नमक 2 टीस्पून में डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ना अभी हमें जीरा और ब्लैक पेपर जो कूटा है वो हम अब डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, नमक और ये जो ब्लैक पेपर जीरा डाला है इसको इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर हम मोयन डालेंगे। ये यहाँ पर मैंने घी का मोयन लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। अगर हमें कम लगेगा तो हम उस वक्त और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे हम और नाश्ते में डालते हैं उसी तरह से मुट्ठी भरे उतना हमको मोयन लेना है। ये देखिए हमने ये 3 टेबलस्पून जो घी डाला था बहुत अच्छी तरह से ये मोयन इसमें मिल चुका है, हमें ऐसा ही रखना है। आप घी की जगह पे मलाई या घर में बना हुआ मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर हमेशा नाश्ता जो बनाती हूँ उसमें घी यूज़ करती हूँ ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थोड़ा सा एकदम कड़क आटा बांधना है तो हम उस हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने अभी यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना डाला है, जैसे जैसे चाहिए वैसे मैं ऐड करती जाऊँगी। यह हमारा आटा देखिए बन चुका है, इस तरह से हमारा ये आटा थोड़ा कड़क है। मेरा 5 से 6 टेबलस्पून में मैंने पानी लिया था और ये आटा हमारा बढ़िया बन हो चुका है। अब इसको ना हम धीरे धीरे सॉफ्ट बनना ही बनाएंगे, पर इसको थोड़ा सा हमें ये जो इस तरह से कड़क दिख रहा है उसको इसीलिए उसको इस तरह से इसे हम ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ी देर ताकि इसका ये जो है लचीलापन थोड़ा सा आ जाए और हमारी पूरी में क्रैक्स नहीं आए। हमें इस तरह से इसको 4 से 5 मिनट इस तरह से हम करेंगे, हमारा आटा बहुत ही अच्छा बढ़िया टेक्सचर का हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने 4 से 5 मिनट इसको कूट लिया है तो ये देखिए हमारा आटा जो है एकदम इसका टेक्सचर सॉफ्ट हो गया है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसके हम 3 पार्ट्स करके छोटे छोटे इसकी लोइयां बना देंगे और उसको फिर बेलेंगे। ये हमारे लोइये हमने कर लिए रेडी है, अब हम बेलना शुरू करेंगे। ये यहाँ पर हम एक एक इसमें लोइया लेके इस तरह से इसको बेलेंगे। बहुत पतली नहीं रखनी है हमको, थोड़ी मोटी ही रखनी है। इस तरह से देखिए ये पूरी जो मैंने बेली है आप देख सकते हैं वैसी वो रखनी है, और इसको इस तरह से हम फोक से ताकि हमारी पूरी अच्छे से हो जाए। ये पूरी जो नाश्ते की है इसको हमें
फूलने नहीं देना है, इसीलिए हमने फोक से इस तरह से उसको प्रिक कर दिया है। ये हमारी पूरी बेल के रेडी है। देखिए मैंने इसको कितना मोटा रखा है, उसी तरह से ज़्यादा उसको नहीं बेलना है। यहाँ पर देखिए मैंने तेल रख दिया था गरम करने, तो हमारा तेल ना बहुत ही गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी एकदम से लाल हो जाएगी, इसीलिए हमें मीडियम जब हो जाता है तेल तभी हम रखेंगे। ये देखिए हमारा तेल जो है, हमारी पूरी धीरे से नीचे जा रही है, उसके बाद वो ऊपर आएगी, मतलब ये तेल हमारा बराबर है और एकदम स्लो गैस पे हमें इसको धीरे धीरे से तलना है। ये देखिए अब हमारी पूरी ऊपर आ रही है, इट मीन्स कि हमारा तेल जो है परफेक्ट है। और अगर हम फास्ट रखेंगे तो क्या होगा, पूरी का कलर तो चेंज हो जाएगा पर अंदर से कच्ची रहेगी और क्रिस्पी भी नहीं रहेगी। ये देखिए बिल्कुल स्लो गैस पे हमारी ये फर्सी पूरी जो है ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये देखिए हमारी फर्सी पूरी है रेडी खाने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको देखिए एक तोड़ के बताती हूँ, हमारी ये जो पूरी है ये आपको मैं बताती हूँ कितनी अच्छी हमारी कुरकुरी बनी है। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, सॉफ्ट है ना। तो है ना बहुत ही आसान पूरी बनाना। तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।